हर किसी को शालोम। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम। मैं अंकल जी का काफी आभारी हूँ आज इस शाम के अवसर पर कुछ देर के लिए हम इकट्ठा होकर प्रभु के सामने प्रार्थना कर पाए। अच्छे सॉन्ग के लिए धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच अंकल। जो अच्छी बातें आपने मेरे बारे में कही उसके लायक पात्र मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद है। सारा आदर मैं प्रभु को देता हूँ और खास करके वचन से शेयर करने के लिए जो आपने हमें मौका दिया हम धन्यवाद देते हैं। लॉकडाउन जो है हमारे लिए शायद ये नई बात है, लेकिन हम बाइबल में अगर देखते हैं तो बाइबल में लॉकडाउन नई बात नहीं है। हमने आई एम श्योर हमने इस लास्ट 45 डेज में सुना रहेगा लॉकडाउन के बारे में बाइबल से। आपने शायद प्रीचिंग किया रहेगा नोहा के लाइफ से, मूसा के लाइफ से और कई योना के लाइफ से। शिष्य प्रभु के जो थे डिसाइपल्स वो भी लॉकडाउन सिचुएशन से गुजरे, इज़राइलाइट्स लॉकडाउन सिचुएशन से गुजरे। लेकिन आज मैं खास तौर पर एक ऐसी महिला है जिस जो लॉकडाउन सिचुएशन में थी और उसके जीवन से तीन बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुझे 20 मिनट दिए गए हैं और काफी शॉर्ट समय, इसलिए मैं इमीडिएटली आपको यहोशू के किताब में ले जाना चाहता हूँ। यहोशू बुक ऑफ जोशुआ, यहोशू का दूसरा अध्याय में हम देखते हैं जब यहोशू अपने इज़राइल लोगों को लेकर शित्तीम से होकर यरीहो के सामने चल पड़े। वहां उस वक्त और कनान देश में प्रॉमिस लैंड में उनको एंट्री करना था, लेकिन यरीहो सामने था और हम जानते हैं उसने भेद लेने के लिए कुछ लोग वहां पर भेज दिए, दो जासूस हम कह सकते भेज दिए। और जब वो जासूस भेद लेने के लिए उस लैंड में गए तब उनको राहब ने अपने घर पर रखा और अपने घर पर रखने के बाद में काफी इंटरेस्टिंग बात राहब उनके साथ करती है और वो है चैप्टर 2 और वर्सेस 8 से 9 से लेकर मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहोशू दूसरा अध्याय और 9 से आगे लेकर। इन पुरुषों से कहने लगी राहब, कहने लगी मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सभी निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नामक यर्दन पार रहने वाले अमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि और ये बात जरूरी है वो कहती है क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। हालेलुया। देखो हार्लेट, यू नो शी वाज हार्लेट, यू नो कस्बीन कहा गया है मराठी में, वो उसने परमेश्वर के बारे में सुना था और वो जो सुना था वो उस पर विश्वास रखकर उन दो जासूस के साथ वो उसने कहा। और फिर हम आगे निकलकर अभी 6वें अध्याय में आते हैं और हमें पता नहीं कितना टाइम यहाँ पर गया है, लेकिन हम देखते हैं जब यहोशू अपने लोगों के साथ यरीहो के सामने या यरीहो को पूरे घेर चुका था तब प्रभु का वचन कहता है Joshua 6:1 में, यरीहो के सब फाटक इसराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पा सकता था। लॉकडाउन हमारे लिए आज लॉकडाउन है, हम ना ना हमारे एरिया से बाहर जा सकते ना कोई हमारे एरिया में अंदर आ सकता है। और एक लॉकडाउन सिचुएशन में यहाँ पर हम देखते राहब थी, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो लॉकडाउन सिचुएशन में थी लेकिन लिप डाउन सिचुएशन में नहीं थी। अपने लिप को उसने अपने मुख को उसने बंद नहीं कर दिया था, क्योंकि उसी मुख से उसने अच्छा कन्फेशन
परमेश्वर अब्राहम के परमेश्वर के बारे में जो सुना था, इसराइल के परमेश्वर के बारे में जो सुना था, उस पर विश्वास रखकर उसकी उसका कन्फेशन उसने किया था। और उस कन्फेशन की वजह से, उस विश्वास के वजह से आज हम लॉकडाउन सिचुएशन में है, लेकिन हमारे दिल में, हमारे मन में जो विश्वास है, वो विश्वास हमें इस परिस्थिति से बाहर लाने वाला है। हालेलुया, इस विश्वास से हम बाहर आने वाले। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब यरीहो पर वो आराधना के द्वारा जब यहोशू ने अटैक कर, तब परमेश्वर का वचन कहता है यहोशू उसका उसकी उसका याद राब का याद करता है। और 22 वचन छठवां अध्याय और 22 वचन में प्रभु का वचन कहता है, हेलो क्या आप सुन सकते हैं मुझको? हाँ, आवाज आ रहा है, प्लीज कंटिन्यू। ओके, 22 वचन कहता है तब यहोशू उन दोनों पुरुषों से जो उस देश का भेद लेने गए थे, यहोशू ने कहा अपनी शपथ के अनुसार उस वेश्या के घर में जाकर उसको और जो उसके पास हो उन्हें भी निकाल ले आओ। देखो काफी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। राहब ने जो विश्वास जो बातें सुनी थी परमेश्वर के बारे में, आकाश का परमेश्वर, पृथ्वी का परमेश्वर जो है, उसके बारे में जो बातें सुनी थी, प्रभु का वचन कहता है उस पर विश्वास किया था। और उस पर विश्वास करके उसी बातों को उसने अपने मुंह से कबूल किया था। हालेलुया, ये कन्फेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे मुख में जीवन और मरण का सामर्थ्य है। आज हम देखते हैं जैसे राहब लॉकडाउन सिचुएशन में थी, पूरे यरीहो बंद हो चुका था और यरीहो के बाहर एक मृत्यु उनके लिए राह देख रहा था। हम देखते हैं एक मृत्यु का भय उनके दिलो जान में घुस गया था, इसलिए डर के मारे, प्रभु का वचन कहता है डर के मारे वो वहां पर बैठे थे। और आज हम हमारे दिल में शायद डर है, हम एक कोरोना वायरस है और मृत्यु का भय है, लेकिन ये तो बाहर की बात है, अंदर की बात मंडली के लिए, प्रभु के चुने हुए लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है। जिस इसराइल के परमेश्वर पर राहब ने विश्वास किया था, उसी इसराइल के परमेश्वर हम विश्वास रखते हैं, उसी परमेश्वर का हम नाम लेते हैं। और वहां पर आगे कहा है कि उसने कबूल करने के बाद में उसको कहा गया था एक लाल रस्सी, रेड यू नो लाल रस्सी उसके उस विंडो को बांध कर रख दिया जाए, उसको बताया गया था उस वही पर बांध कर रखो ताकि जब हम आएंगे तब देखेंगे और आपको छुटकारा मिलेगा। हम जानते हैं परमेश्वर के वचन से कि लाल कलर क्या है, रेड सिग्निफाइज द ब्लड, रेड क्या है, लाल प्रभु ये ब्लड दर्शाता है। और जिस तरह से उस रेड जो रस्सी थी उसको देखकर फिर उसके घर में, प्रभु का वचन कहता है 23 वचन में, उसके भाई, उसके माता पिता, उसके सब कुटुंब के परिवार के लोग और कहा है काफी सारे और लोग जो उसके घर में थे सब बच गए। हालेलुया, हमारे लिए प्रभु का लहू जो हमारे जीवन पर है, वही लहू हमें इस परिस्थिति से बाहर लाएगा और इस पर हमारा विश्वास रहना जरूरी है। देखो शिवा कनानाइट लेडी, वो कनानी लेडी थी, लेकिन विश्वास के द्वारा परमेश्वर का वचन कहता है उसको इसराइल के टेंट तक, तंबू तक लाके रख दिया। प्रभु का वचन आगे कहता है कि उन सबको इसराइलियों के बीच में टेंट के नजदीक लाकर रख दिया। आगे जाकर हम जब मत्ते का पहला अध्याय देखते हैं, वहां पर लिखा गया है सलमन जो राहब जो है सलमन से उसको बोआज हो गया, और बोआज से हम देखते हैं ईशाय और ईशाय से दाऊद। तो उसको उसके विश्वास के वजह से वो इसराइल के तंबू तक आ गई और उसी विश्वास से वो तंबू के अंदर आ गई, she came inside the tent। और उसके बाद में हम देखते हैं कि प्रभु के हम हिब्रू इब्राहिम का पत्र में देखते हैं 11 अध्याय में सारे विश्वास के जो हीरो है
अब्राम से लेकर नोह से लेकर मोशे से लेकर जो सारे नाम है उन नामों में तीन महिलाओं का नाम दिया गया है। उन तीन महिलाओं के नाम में राहाब का नाम वहां पर लिखा गया और कैद का वहां पर ऐसा लिखा है 31 वचन में कि उसके उसने विश्वास के द्वारा जो किया ओके उसका विश्वास उसके विश्वास को सराहा गया। देखो वो ऐसी ऐसी लेडी थी जो कनानी थी और कनानी लोग इसराइल लोग के अगेंस्ट थे शत्रु थे लेकिन हम देखते हैं कि उसके विश्वास से आज मैं आपके सामने इस चार बातों को मैं रखना चाहता हूं प्रियो। देखो लाल दौर क्या है। लाल दौर हमारे जीवन पर प्रभु यीशु मसीह के लहू का दर्शक है। हालेलुया एक दौर है एक लाल दौर का वहां पर कहा गया है कि यहोशू ने बोला सबको मार दो सब डिस्ट्रॉय कर दिया विश्वास के द्वारा मुख की जो मुख का कन्फेशन है कबूली के द्वारा हम देखते हैं राहब बच गई। आज हम लॉकडाउन है हमारे हमारे दरवाजा बंद है हमारा गेट बंद है लेकिन हमारा हृदय जो है हमारा हार्ट जो है वो प्रभु के लिए बंद ना चाहिए। अगर बंद है तो फिर दिक्कत आएंगे। देखो हम देखते परसिक्यूशन के द्वारा के वजह से चर्च बंद नहीं है। हम देखते हैं कोई पुलिस केस के वजह से चर्च नहीं सारे चर्चेस बंद है। हम देखते सारे चर्चेस बंद है। लाओदिकिया मंडली जो था प्रगटीकरण प्रकाशित वाक्य का तीसरा अध्याय 20 वचन में कहता है प्रभु कहता है देख मैं द्वार पर खड़ा हूं और खटखटाता हूं। ये द्वार क्या है? ये द्वार हमारे हृदय का दर्शक है और वो कहता है जो कोई मेरी वाणी सुनेगा मैं अंदर आऊंगा। ओके विश्वास के द्वारा हम प्रभु का प्रभु को जब हमारे अंदर अंदर बुलाते तो कहा गया है एक इंडिविजुअली कहा गया है तो मैं उसके साथ ओके मैं भोजन करूंगा वो मेरे साथ भोजन करेगा। लॉकडाउन सिचुएशन में देखो हम प्रभु चाहता है हम वो हमारे साथ वचन का भोजन करें। आज कितनी कितना अच्छा समय वचन से कुछ सीख रहे वचन से वचन का मानना हम खा रहे हैं। और हम देखते हैं जब रहा जब वो विश्वास के द्वारा जब इज़राइल को जुड़ गई प्रभु का वचन कहता है वो उसको सिर्फ बचा नहीं गया उसको अंदर लाया गया। हालेलुया देखो बहुत जरूरी है हमें प्रभु ने सिर्फ बचाया नहीं है हमें अंदर लाया है और उसको बचाने के लिए उसके उसको जो बचा गया उसके पीछे पर्पस था। आज प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर रखा है एक खास वजह के लिए रखा है। हम देखते हैं राहाब उसका फिर सलमान के साथ उसका शादी होने के बाद में फिर प्रभु का वचन कहते बोआज को उसने जन्म दिया बोआज के द्वारा। फिर हम देखते हैं रुथ और बोआज के द्वारा ईशाय और फिर दाऊद और उन जीनियोलॉजी में प्रभु यीशु मसीह का नाम आता है तो प्रभु यीशु मसीह के परिवार से वह जुड़ गई। हालेलुया जैसे हमने विश्वास किया हम सिर्फ नरक से हम बचाए गई नहीं है लेकिन हमको आशीष भी मिल गया है क्योंकि हम इसराइल से जुड़ गए। वो इसराइल से जुड़ गई उस दिन उसने अपने घर में परमेश्वर का नाम लिया। वो कहते हैं इसराइल का परमेश्वर हमने सुना मैंने कान से सुना है इसराइल का परमेश्वर जब आप मिस्र से चल पड़े अब उसने रेड सी को कैसे सुखा दिया और आपको कैसे बचाए मैंने सुना है। हालेलुया वचन जब सुना है हमने अच्छे दिनों में आज लॉकडाउन के सिचुएशन में उसी वचन को दोहराना जरूरी बात है उसी वचन पर और गौर करना जरूरी बात है उसी वचन पर मेडिटेट करना जरूरी बात है उस वचन को पकड़े रहना। वचन क्या है हमारे लिए वचन एक एक बचाने के लिए बचाने की ताकत है। वचन क्या है हमारे लिए दाऊद कहते हैं तेरा वचन मेरा आधार है। हालेलुया वचन हमारा आधार है। उस वचन को हम जब पकड़ते हैं हम देखते हैं सिर्फ राहब नहीं उसके आजू बाजू जो लोग थे वो बच गए। प्रभु का वचन कहता है उनको बाहर लाया गया और छोड़ा नहीं मरने के लिए नहीं छोड़ दिया उसको बाहर लाने के बाद में प्रभु का वचन कहता है इसराइल के तंबू के नजदीक लाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया इसराइल के इसराइल का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है उसके तंबू के बाजू उनको लाकर खड़ा कर दिया। और आगे जाकर हम देखते हैं कि उसी उनमें से एक ने राहब को अपनाया और तंबू के अंदर ले लिया टेंट के अंदर लिया फैमिली हम जुड़ गए प्रभु यीशु मसीह के साथ हम जुड़ गए हैं। हालेलुया
क्योंकि हमने उसके वचन को सुना है, हमने उसके वचन पर विश्वास किया है, हमने उसके वचन को कबूल किया है, हमने उसके वचन पर विश्वास कर जो कहा गया। देखो इट कैन बी वेरी यू नो इट कैन बी इट कुड हैव बीन अ स्टुपिडिटी जस्ट टाइंग अ रोप टू अ विंडो, एक अपने विंडो खिड़की पर एक लाल कलर का रोप बांध दिया गया, शायद लोगों ने से पूछा रहेगा अरे राब ये क्या है, ये अपने रोप बांध दिया। लेकिन उसका विश्वास देखो था कि एक दिन आएगा जब यहां से मुझे छुड़ाया जाएगा। हालेलुया, आज मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, प्रभु का लहू हमारे ऊपर है, इसलिए ये कोरोना का डर के आगे हम जीते। यस नो वी डोंट वांट टू डिनाई इट, वी लीव वी हैव दैट फियर, हमको वो एक डर है और इसलिए हम सैनिटाइज करते हैं, हाथ धोते हैं, मास्क पहनते, विच इज वेरी गुड। लेकिन दिल में विश्वास है प्रभु इस समय से हमें बाहर निकालेगा। और राहब को जब बाहर निकाला गया, देखो उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। आज मैं प्रोफेटिकली सुनने वाले सभी भाई बहनों के लिए कहता हूं, हम जब इस लॉकडाउन से बाहर निकलेंगे, राहब की तरह हमारी पोजीशन बदल जाएगी, हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारा जो आइडेंटिटी है वो बदल जाएगा। वहां पर कहा गया कि उसको तम्बू के अंदर लाया गया, तम्बू के नजदीक लाया गया। हाउ वंडरफुल इट इज, वो इसराइल के तम्बू के नजदीक आ गई और फिर उस इसराइल के परमेश्वर को और जानने लगी। और फिर प्रभु का वचन कहता है उसके द्वारा यीशु मसीह ने अपना नाम उससे जुड़ा दिया। हालेलुया, एक फैमिली मेंबर बन गए। आज भी हम वचन कहते हैं, वचन पढ़ते हैं, जब भी वचन पढ़ते हम देखते हैं मत्ती का पहला अध्याय में वहां का है, और राहब सलमन से बोआज हो गया, बोआज से यीशु मसीह की जीनियोलॉजी आ गई। प्यारे प्रियो, वक्त बहुत छोटा है, इसलिए आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, उसको उसका एसोसिएशन देख लो, एसोसिएशन वो जो जहां पर थी, जेरिको वाज अ सिटी ऑफ सिन, पाप का शहर था वो, पाप का, इट इज आल्सो कॉल्ड सिटी ऑफ एडम एक्चुअली, पाप का शहर कहा गया था। और उस जहां पर वो थी वहां मृत्यु अपने आजू बाजू वहां पर टहल रहा था। लेकिन प्रभु का वचन कहता है उसकी याद किसने की, वो जो दो जासूस गए थे उन्होंने नहीं की, यहां पर कहा गया है तब यहोशू ने उसकी याद की। हालेलुया, इस लॉकडाउन में हम हैं और हम अगर विश्वास करते प्रभु का वचन जो हमने काफी सालों से हम सुनते आए हैं, प्रभु का वचन जो सुना है उस पर आज अगर विश्वास करते हैं, उसके उस वचन को अपने मुंह से दोहराते हैं, उस वचन को हम गाते हैं, तो मैं विश्वास करता हूं और कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि यहोशू हमारे याद करेगा। हालेलुया, यहोशू हम सभी को याद करेगा, हम सभी को याद करेगा और फिर बाहर लाके हमें इसराइल के तंबू के नजदीक, हालेलुया, वो लाकर बिठाएगा। व्हाट अ वंडरफुल प्रॉमिस वी हैव, व्हाट अ वंडरफुल प्रॉमिस वी हैव। प्रभु का वचन हम जब 91 कहते हैं, जब जो परात पर परमेश्वर के छाव में बैठता है, वो क्या पाता है, संरक्षण पाता है, वो प्रभु का प्यार पाता है, वो उसके उसके लिए उसके एंजल्स भेजे जाते हैं संरक्षण करने के लिए। तो मैं आज इनकरेज करना चाहता हूं कि हम डटे रहे, हम विश्वास में बने रहे। हालेलुया, जो वचन को हमने सुना था, आज वक्त आया है उस वचन को वापस निकाल कर विश्वास करके हुए हमारे मुंह से कंटिन्यूसली उस वचन को लेकर हम बात करें, ताकि हमारे जो सिचुएशन है वो टल जाए, हट जाए, परमेश्वर हमें लॉकडाउन से बाहर निकाले। और जब बाहर निकालता है तो हमारा एसोसिएशन जो है, जैसे राहब का एसोसिएशन उसके बाद में बदल गया, वो इसराइल के तंबू में रहने लगी, उसके बाद में उसके जीवन में अच्छी अच्छी बातें होने लगी, और जो पर्पस के लिए उसको बाहर लाया गया। आई बिलीव माय प्रेयर टुडे इज दैट गॉड विल ब्रिंग यू आउट ऑफ दिस सिचुएशन, इस कारण, ताकि जो पर्पस परमेश्वर ने हमारे हर एक के जीवन में रखा है, हमें जिंदा रखने के लिए जो पर्पस है, वो पर्पस पूरा हो जाए
और पूरा होने के बाद में हम उसका आनंद करें और उसके लिए धन्यवाद दें। प्रभु आप सभी को आशीष दे, गॉड ब्लेस यू। मैं यहाँ पर प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे आसमान खुदावन, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं धन्यवाद देता हूँ। प्यारे प्रभु धन्यवाद इस सुंदर से समय के लिए, धन्यवाद देता हूँ प्यारे परमेश्वर। अच्छे प्रेयर के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं प्यारे परमेश्वर हम लॉकडाउन सिचुएशन में है, लेकिन हम लिप डाउन नहीं है, हम नॉकडाउन नहीं हुए हैं। हालेलुया। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं, जो वचन हमने पहले सुना है प्यारे प्रभु पिछले दिनों में, आज उसी वचन को हम दोहराते हैं, उसी वचन को हम निकालते हैं फिर एक बार, उसी वचन को हम कबूल करते हैं प्यारे प्रभु। हम जानते हैं आप हमारे साथ हो, आप हमें छोड़ने वाले नहीं हो, और जिस पर्पस के लिए आपने इस पृथ्वी पर हमें आज तक जिंदा रखा है, उस पर्पस को कंप्लीट कीजिएगा, उस कंप्लीट को प्यारे प्रभु पूरा करो प्यारे प्रभु। और उसी पर्पस के लिए हम दुआ करते हैं, वो पर्पस हम जान ले प्यारे प्रभु। जिस तरह से राहब को आपने बाहर लाया और उसका एसोसिएशन बदल गया, हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में हमारा एसोसिएशन बदल जाए। हालेलुया। और हम भी जैसे इसराइल के तंबू के और उसको योशुआ ले आया, हालेलुया, योशुआ ने कहा जाओ लेके आओ, हम प्रार्थना करते प्यारे प्रभु हमारे लिए आप योशुआ हो प्यारे प्रभु। हमें उस इसराइल के तंबू के नजदीक, वो यहोवा परमेश्वर के तंबू के नजदीक हम आप हमें लेके जाइए, हर एक को लेके जाइए प्यारे प्रभु, ताकि हम उस तंबू की ओर बैठे और जान पाए और अच्छी चीजें जान पाए। और हम धन्यवाद देते इस सुंदर से सेविकाई के लिए, अंकल और निकी भाई के लिए धन्यवाद देते, सारे CFI से जुड़े हुए मेरे प्यारे प्यारे बहनों के लिए, भाई के लिए धन्यवाद देते। हम आप सभी को आशीष दें, धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम में मैं यह प्रार्थना करता हूँ। आमीन आमीन। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जो पवार। आप लोग को बता दे, पास्टर जो पवार has got a beautiful voice, a golden voice, and bahut acha, of course he is a very good good in everything. So next time jab aapke you come, please give us a nice song with your golden voice, aur aapki team ke sath pure team ko hum logo ki or se greet kariega. And thank you Pastor Joe Pawar. Both with the